क्या ध्रुव राठी सही है? क्या डिक्टेटरशिप आने वाला है? मुस्लिम के लिए कांग्रेस या आम आदमी पार्टी सही है? बीजेपी के जीतने से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा? चलो इन सब चीजों को लेकर के आज हम गहराई में जिक्र करेंगे। वैसे अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट करूं तो भक्त कहलाऊंगा, कांग्रेस को करूं तो चमचे कहलाऊंगा, और न्यूट्रल रहने का कोशिश करूं तो दोनों तरफ से गाली पड़ेगी। बट मैं कोशिश करूंगा कि भले ही दोनों तरफ से बात सुनने को मिले, बट फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, नहीं कांग्रेस नहीं बीजेपी, न्यूट्रल रहने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहली बात यह है कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ध्रुव राठी का रिसेंट का सारा पॉलिटिकल वीडियो देखा। फिर जिन्होंने ध्रुव राठी को एक्सपोज किया है या उनके पॉइंट से एग्री या डिसएग्री किया है, उन सब के वीडियो को देखा है, जैसे कि श्याम शर्मा, अरविंद अरोरा, ऋषभ भिदोरी। इतना ही नहीं, फिर कोरा पे गया, रेडिट पे गया, ट्विटर पे गया, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, लोगों ने क्या लिखा है ध्रुव राठी के बारे में, उसके सपोर्ट में, उसके अगेंस्ट में, सारे चीजों को एनालाइज किया कि गवर्नमेंट के बारे में लोगों का क्या ख्याल है। उसके बाद जब सारी चीजों को एनालाइज कर लिया हूं तब ये वीडियो बना रहा हूं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से कुछ भी पॉइंट देख करके मैं वीडियो बना रहा हूं। इसलिए बहुत फैक्ट्स हैं इस वीडियो में, इसलिए आप अगर न्यूट्रल रह करके देखना चाहते हो तभी देखो। ओके, सबसे पहली बात इस पे आते हैं कि क्या डिक्टेटरशिप आने वाला है या आ गया है। लोगों का मानना है कि बीजेपी को किसी तरीके से जीतने मत दो, अगर बीजेपी जीत गई तो डिक्टेटरशिप आ जाएगा। आतिशी मरलेना का इतना तक कहना है कि अगर आपके एरिया में कोई गुंडा भी इलेक्शन में खड़ा है तो आप उनको वोट दो, बीजेपी को मत दो। देखो आप बीजेपी के काम के बारे में गिनवा सकते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इस बेसिस पे आप वोट मत दो, लेकिन एक जेन्युइन वैलिड रीजन रहने दो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल करके और बीजेपी को बस हराना है, ये मेरे हिसाब से गलत है। फिर लोगों का मानना यह भी है कि अगर तीसरी बार कंटिन्यूसली जीत जाएगी तो इससे डिक्टेटरशिप आ जाएगा। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 1952 से 1972 तक कांग्रेस सारे जनरल इलेक्शन जीती है। इस हिसाब से 1972 के बाद से देश में एक भी इलेक्शन नहीं होना चाहिए था। इस हिसाब से डिक्टेटरशिप तभी आ जाना चाहिए था, अभी हम डिक्टेटरशिप के जमाने में रहते। इतना ही नहीं, लोगों का यह भी मानना है कि 1975 से 1977 में इंडिया डिक्टेटरशिप के क्लोज भी थी। इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए, इलेक्शन कैंसिल कर दिए। तो ये साफ जाहिर है कि तीसरी बार बीजेपी के जीतने से न जीतने से डिक्टेटरशिप नहीं आने वाला है। ओके, फिर ये सवाल आता है कि लोग डरे फिर क्यों हैं? क्या ध्रुव राठी का इल्जाम गलत है? तो मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता, डरना लोगों का लाजमी है और उसके कुछ रीजंस भी हैं। बीजेपी के कुछ नेता का कहना है कि अगर बीजेपी 400 सीट से ज्यादा जीत जाएगी, जो शायद इम्पॉसिबल है, तो उन लोगों का कहना है कि हम संविधान ही बदल देंगे। इसके अलावा ईडी एंड सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रही है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो नाच रही है इशारों पे, वो फेयर काम नहीं कर रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट किया, ठीक है। सेम ऐसे ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया। चलो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है, लोगों में एक विश्वास जगेगा कि सरकार करप्शन के अगेंस्ट अगर काम कर रही है, मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ सकता है, तो हमारे इलाके में अगर कोई छोटे मोटे गवर्नमेंट इंप्लॉई अगर घूस लेते हैं या कुछ ऐसा गलत काम करते हैं तो वो भी जेल जा सकते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। बट यहां बहुत बड़ा लोचा है, क्योंकि जेल सिर्फ अपोजिशन वाले ही जा रहे हैं, बीजेपी वाले नहीं जा रहे हैं। अगर ईडी एंड सीबीआई फेयर वर्क करते तो सारे करप्ट लोग जेल में होते, बट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा जब हमारे गोल्ड मेडलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनका क्या हुआ, और जिस नेता पे इतना सारा वुमेन को लेकर के इल्जाम लगा हुआ था वो चौरे में अभी भी घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यही ना कि ईडी एंड सीबीआई अपना काम सही से नहीं कर रही है। वो नेता अगर सच में किसी और पार्टी से होता तो जेल के सलाखों के पीछे होता, ये 100% श्योर है। अजीत पवार जब एनसीपी में थे तो उनके ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले का आरोप था, बट ईडी एंड सीबीआई के डर से जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो वो बेगुनाह हो गए। हेमंत विश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो उनपे 1,000 करोड़ का जल आपूर्ति घोटाले का आरोप था, लेकिन जब वो बीजेपी ज्वाइन किए तो शुद्ध हो गए। नारायण राणे जब कांग्रेस में थे तब उनके ऊपर हाउसिंग घोटाले का आरोप था, लेकिन जब बीजेपी ज्वाइन किए तो पाक साफ हो गए। ऐसे ही सुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, बीएस येदुरप्पा, सीएम रमेश जैसे 2014 से लेकर के अब तक 25 अपोजिशन लीडर जिनके ऊपर घोटाले का आरोप था, जो जेल में हो सकते थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और आज उसमें से 23 बेगुनाह हैं, पाक साफ है। अब ईडी और सीबीआई का उन्हें कोई भी डर नहीं है। इसका मतलब यही है ना कि सरकार अपोजिशन ही खत्म करना चाह रहे हैं, वो चाहे डर के ही माहौल से क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो कर रहे हैं। सेकंड पे है मीडिया। आज मीडिया पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ओके, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो भी गवर्नमेंट सेंटर में रही है मीडिया उसकी कठपुतली बन के रहे हैं। 2014 से पहले भी था, आज भी है, तो इसमें फर्क क्या पड़ता है, गलती क्या है? एक्चुअली टाइम के साथ बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है। अभी मोदी जी अपने स्पीच में बोलते हैं कि जिसका ज्यादा बच्चा होगा उसी को कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने वाले हैं।
फिर उन्होंने मुस्लिम बोल करके ये कंफर्म भी कर दिया। मैंने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया कि हिंदू वुमेन का TFR 3.1 से घट करके 2.1 हो गया है और मुस्लिम वुमेन का TFR 4.1 से घट करके 2.7 हो गया है। इसका मतलब साफ साफ है कि बहुत ही डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और मैं गांव में भी देखता हूं कि बहुत सारे हिंदू फैमिली हैं जिनके 5 से ज्यादा बच्चे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा बच्चे सिर्फ मुसलमान के ही होते हैं। तो उस पे कुछ लोगों का ये रिप्लाई था कि मोदी जी एंड योगी जी के खुद 5-6 भाई बहन हैं। तो उस पे किसी ने रिप्लाई किया था कि उस टाइम लोगों में इतनी समझ नहीं थी, बट अब लोगों में समझ आ गया है तो कम बच्चे कर रहे हैं। मैं यही पॉइंट बोल रहा हूँ। ठीक इसी तरह पहले मीडिया एंड लोग दोनों आज से बहुत अलग थे। बहुत के घर में टीवी भी नहीं था। हमें याद है जब हम बच्चे थे तो गेट में इतना सा छेद होता था, उससे जाकर के ऐसे देखा करते थे क्योंकि हमारे घर में टीवी नहीं थी। तो ऐसे ही उस टाइम बहुत के घर में टीवी नहीं थी और सैटरडे को देख लिया करते थे बैटरी लगा करके, और लाइट का भी उस टाइम बहुत प्रॉब्लम था तो टीवी ज्यादा लोग देखते भी नहीं थे अगर जिनके घर में थे भी, और टीवी बहुत के घर में नहीं थे। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब ट्रेंड्स का दौर नहीं था। लोगों में इतनी नफरतें नहीं थी। आज से 10 साल पहले का अपने गांव का माहौल सोचो, अपने अड़ोस पड़ोस का माहौल सोचो, आपको बहुत फर्क नजर आएगा आज में और 10 साल पहले में। लोग एक दूसरे के पास बैठा करते थे, सुख दुख में साथ देते थे, हिंदू मुस्लिम का चलन नहीं था। बट आज जब सोशल मीडिया, ट्विटर और ट्रेंड्स को लोग फॉलो करने लग गए हैं, तब से माहौल बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया है। सोशल मीडिया ने लोगों की सोच को बदल के रख दिया है। आज सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से 90% दंगे होते हैं। कोई हिंदू ही मुस्लिम का नाम रख करके मंदिर में बीफ फेंक देते हैं ताकि दंगा भड़के, और भड़क भी जाता है। बाद में पता चलता है कि ये तो हिंदू ही था, लोगों में दंगा करवाना चाह रहा था। राम मंदिर को उड़ाने वाला बात एक हिंदू ही मुस्लिम का आईडी बना करके मुस्लिम को बदनाम करने के लिए क्या था। और बहुत बार देखा गया कि बीजेपी का ही नेता ऐसा करवाते रहते हैं। तो आखिर ये चीजें इतनी जल्दी फैलती कैसे है? उसका जवाब बहुत ही सिंपल है, मोबाइल और सोशल मीडिया। सेकेंड में वीडियो बनता है, सेकेंड में वो वीडियो वायरल हो जाता है क्योंकि लोगों को ये मसाली वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है। हिंदू मुसलमान, मारकाट, दंगे, ये सब बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो ऐसी चीजें मिनटों में वायरल हो जाता है। और फिर क्या, बिना जाने कि किसकी गलती है, किसने करवाया है, एक दूसरे धर्म मजहब पे टूट पड़ते हैं, गालियां देने लगते हैं, मारकाट पे उतर पड़ते हैं। बट पहले का अगर सोचो तो मोबाइल सोशल मीडिया नहीं था, लोगों का दिमाग इतना चलता ही नहीं था, दंगे में तो जाता ही नहीं था, बहुत कम था, अगर था भी तो पता ही नहीं चलता था लोगों को, एक कोने में कहीं होता था वहीं दबके रह जाता था। और आज इन भड़काऊ चीजों का इस्तेमाल टीवी वाले बहुत अच्छे से करना जानते हैं। उनको पता है कि TRP किससे मिलती है। टीवी पर 90% हिंदू मुसलमान और दंगे फसाद की बातें होती रहती हैं। एम्प्लॉयमेंट, देश में क्या चल रहा है, कहां क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं रहती है। और उन भड़काऊ चीजों की वजह से लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, अपने धर्म मजहब के बारे में सिर्फ सोचने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, ये सोचने का उसको तो टाइम ही नहीं मिलता। टीवी मीडिया वाले इतना ज्यादा भड़का देते हैं। इसलिए बोला कि आज के जमाने में मीडिया पे पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होना खतरे की घंटी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को जब गवर्नमेंट तोते के तरीके से बुलवाएगी, जो गवर्नमेंट बोलेंगे उतना ही बोलेंगे वो लोग, जितना गवर्नमेंट दिखाना चाहेंगे उतना ही मीडिया वाले दिखाएंगे, तो फिर सरकार से सवाल कौन करेगा और कौन सा न्यूज सही है या गलत है, ये वेरीफाई करने के लिए जनता पूरे देश तो ट्रैवल नहीं करेगी ना। और मीडिया किस हिसाब से सरकार के इशारे पे चल रही है वो इस डेटा से समझो। पूरे वर्ल्ड में इंडियन मीडिया का रैंक 159 है। यहाँ तक कि हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं ना कि पाकिस्तान से बहुत आगे है। पाकिस्तान और श्रीलंका का मीडिया का रैंक हमसे अच्छा है। सोच रहे हो किस हद तक मीडिया गिर चुकी है आज। और कहें कि उनकी मजबूरी भी है, उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो सरकार के इशारे पे चले वरना अपना जान गवाए। ये मैं आगे बात करूंगा। और मीडिया सरकार के इशारे पे कैसे नाचती है उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है आफताब श्रद्धा वाला इंसिडेंट। जब ये इंसिडेंट सामने आया तो टीवी पे 2400 घंटे सिर्फ श्रद्धा आफताब ही चल रहा था, जिस वजह से सोशल मीडिया पे इतनी हेट फैली कि बता ही नहीं सकता। जो हेट गवर्नमेंट और मीडिया वाले फैलाना चाह रहे थे वो इसमें इतना कामयाब हो गए कि जिस अब्दुल नाम को लेकर के हम गर्व करते थे, जिस नाम को हम गर्व से लिया करते थे, वो हेट का सिंबल बन गया। लेकिन दूसरी तरफ देखो, गुलनाज खातून जो 20 साल की थी, जिनको एक हिंदू लड़के ने शादी का प्रपोज किया और गुलनाज ने इनकार कर दिया, सिर्फ इसके लिए गुलनाज को उस लड़के ने जिंदा जला दिया। क्या ये न्यूज टीवी वाले ने दिखाया? नहीं। इतना ही नहीं, पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही थी। अयोध्या में रूबीना भाग करके एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। उस लड़के का नाम था बाबूलाल गुप्ता। एक साल के बाद उस लड़की का लाश उस लड़के के घर में मिलता है। क्या मीडिया ये दिखाई? बिल्कुल नहीं। क्या इस मीडिया वाले ने बढ़ चढ़ करके एक रिलीजन को टारगेट किया? बिल्कुल नहीं। कर्नाटका लेबर मिनिस्टर संतोष लार का कहना है कि अगर कोई हिंदू किसी हिंदू को मार देता है, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 13,000 हिंदू वुमेन मिसिंग है, लेकिन इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं आ जाता। थर्ड पे है अमीर को अमीर बनाना।
गवर्नमेंट अमीर लोगों का टैक्स कम करके आम आदमी का टैक्स बढ़ा दिया है, यहाँ तक कि उन बिलियनर्स के 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। ये सब जानते होंगे, ये जानते हुए भी कि 155 ट्रिलियन रुपीज का इंडिया पे कर्ज है। और ये बात भी बहुत बार सामने आया है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज के वजह से स्मॉल स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होती जा रही है। अडानी ग्रुप को कोयले का माइनिंग दिया गया और गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किया कि सरकारी कंपनी 10% कोयला इसी स्टेट से खरीदे, वो भी 10 गुना दाम पे। जी हाँ, 10 गुना महंगे दाम पे। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंडिया का टॉप 1% अमीर लोग इतने अमीर हो गए हैं, बट इस बार हुआ है। 20 मार्च 2024 का रिपोर्ट है, इंडिया का टॉप 1% अमीर लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा आ गया है और आम इंसान से जीएसटी सीजीएसटी टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूल किया जा रहा है, जिससे वो और गरीब होते जा रहे हैं। फोर्थ पे शॉकिंग इंसिडेंट है, गौरी लंकेश के मर्डर के बारे में आप सुने ही होंगे। सिर्फ वही एक मर्डर नहीं है, बल्कि 2017 तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोग जो गवर्नमेंट से सवाल करते हैं उनको मार दिया गया है या तो अटैक करवा दिया गया है। 11 जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट से सवाल किया उसको मार दिया गया, 46 लोगों पे अटैक करवाया गया, 27 लोगों पे पुलिस एक्शन लिया गया। और अब इन 7 सालों में कितने मासूम लोग मारे गए हैं जो सरकार से सवाल किए हैं, इसका कोई ओरिजिनल डेटा अवेलेबल ही नहीं है। एक जगह मैंने देखा था कि पिछले 15 साल में 44 जर्नलिस्ट को सरकार ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने सरकार से सवाल किया था। फिफ्थ में है इंडिया में बेरोजगारी। इंडिया में बेरोजगारी का वो हाल है कि पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा देखो, हर 100 में से 83 लोग इंडिया में बेरोजगार हैं। और अगर आपको ये डाउट होगा कि वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ऐसा भी नहीं है। 10th एंड 12th पास में लगभग 12% लोग बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन और उससे हायर डिग्री लेकर के 29% लोग बेरोजगार हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये डेटा पहले से ही ऐसा ही था। 2000 में अनएम्प्लॉयमेंट 35.2% था, वो 2022 में आते आते डबल हो गया है 65.7%। अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, तो बेरोजगारी तो घटनी चाहिए थी ना। बेरोजगार लोगों की आबादी दोगुनी कैसे हो गई? आरबीआई के गवर्नर दुबरी सोराव का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग अगर इंडिया 2029 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर देश बन भी जाता है तब भी इंडिया गरीब रहेगा। ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीजन मैं पीछे बता चुका हूँ कि कैसे अमीर लोग ही सिर्फ अमीर होते जा रहे हैं। अमीरों का कर्ज माफ किया जा रहा है, अमीरों के लिए ही काम किया जा रहा है, उनके लिए ही पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, उनको ही सपोर्ट किया जा रहा है, गरीबों को जॉब्स नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि 60 लाख सीट्स वैकेंट है बट फिर भी बहाली नहीं किया जा रहा है। तो देश में एक तरफा ही लोग अमीर होंगे ना। और जब कभी ऐसा होगा कि ग्लोबल लेवल पे एक मीटिंग होगी कि दिखाओ इंडिया कितना अमीर है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? अमीरों का पैसा शो कर देगी और बताएगी कि देखो इंडिया कितना अमीर है, और टीवी पे आकर के अपनी वाई वाई लेंगे और बोलेंगे कि वाओ इंडिया इज द 3rd रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जिनके पास जॉब नहीं है वो मजबूरन अग्निपथ स्कीम में भी फॉर्म भर देंगे बिना कोई सवाल किए, क्योंकि सवाल करेंगे तो उनके साथ क्या होगा वो मैं बता चुका हूँ। और इतना ही नहीं, आज का तो नया ट्रेंड बन गया है कि अगर आप सरकार से सवाल करते हो तो पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही कहलाओगे। अब आपका सवाल होगा कि क्या ध्रुव राठी फिर पूरी तरीके से सही है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ध्रुव राठी 100% सही है। ध्रुव राठी कहाँ गलत है ये भी मैं बताता हूँ। ध्रुव राठी भी टीवी वालों के जैसे, मीडिया वालों के जैसे एक तरफा चलते हैं। जब बीजेपी की तरफ से कोई गलती होती है तो वो तुरंत ही उसके अगेंस्ट वीडियो बना देते हैं। चलो अच्छी बात है, जब बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज करने वाला होता है तो सरकार को भी टेंशन होता है कि नहीं नहीं हमें अच्छा काम करना होगा, वरना हमें क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम गलत नहीं कर सकते। इसलिए ध्रुव राठी, रवीश कुमार, देशभक्त को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ बहुत हद तक, बट ये लोग दूसरी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलते। जैसे कि ध्रुव राठी का आपके अगेंस्ट एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा, लेकर स्कैम के ऊपर वीडियो नहीं मिलेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बोले बट स्टैच्यू ऑफ मायावती के बारे में उन्होंने नहीं बोला। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे ध्रुव राठी को वीडियो बनाना चाहिए था, जो वायरल भी था, ट्रेंडिंग भी था, बट वो नहीं बना। तो यहां मैं ध्रुव राठी को गलत मानता हूं कि अगर देश की चिंता है तो फिर दोनों पेज को पलट के देखें ना, एक तरफा नहीं चलना चाहिए। अब उन लोगों को देखें जो ध्रुव राठी को एक्सपोज किया है या ध्रुव राठी के पॉइंट से एग्री नहीं है, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दोनों पेज को पलट के देखे हैं, वरना 98% लोग एक तरफा ही रहते हैं। अरविंद अरोड़ा भी ध्रुव राठी के अगेंस्ट एंड बीजेपी के कम्प्लीटली सपोर्ट में रहते हैं। ऋषभ का भी सेम है। श्याम शर्मा 20% न्यूट्रल रहते हैं, बाकी वो भी 80% एक तरफा ही रहते हैं। अब दूसरा सवाल यह आता है कि फिर अनबायस कौन है? मेनस्ट्रीम मीडिया, न्यूज़पेपर, रविश कुमार, जी रिपब्लिक, इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी? तो मेरा जवाब है कि इसमें से कोई नहीं। हाँ 2-4% मिल जाएंगे, लेकिन वो आम जनता, मतलब बड़े लेवल पर नहीं मिलेंगे, मीडिया वाले, न्यूज वाले, ये सब नहीं मिलेंगे, वो एक तरफा ही बात करते हैं। लेकिन अगर ये 2-4% को छोड़ दें तो सब बायस्ड हैं, सब एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं। इसलिए आपको डिसाइड करना होगा कि आप किसे चाहते हैं, किसे वोट देना चाहते हैं।
अगर आपको ध्रुव राठी अच्छा लगता है तो आप उनकी बात मान सकते हैं, मोदी जी अच्छे लगते हैं तो उनकी बात मान सकते हैं, राहुल गांधी, रविश कुमार, अरविंद केजरीवाल, जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनकी बात आप मान सकते हैं। बट एक चीज को ध्यान रखिए कि सामने वाला जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत, हमें मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा। जिस मुद्दे के ऊपर सामने वाले बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उसे वेरीफाई करना ये आपकी जिम्मेदारी है, फिर उसको आप सही या गलत ठहरा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो अभी चल रहा था उसमें अमित शाह जी टीवी पे आकर के कुछ और डेटा बताते हैं, लेकिन रियलिटी वाला डेटा कुछ और ही है, जो आपको बहुत वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, कुछ कुछ वेबसाइट पे मिलेगा, जो न्यूट्रल रहते हैं, जो बीजेपी के सपोर्ट में रहते हैं वहां आपको नहीं मिलेगा, वहां जो अमित शाह टीवी बताए हैं वही मिलेगा। तो इसलिए आपको वेरीफाई करना है कि क्या गलत है क्या सही है, उसके हिसाब से आपको फैसला लेना होगा। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत कीजिए, किसी के बातों में आकर के वोट मत दीजिए, आप खुद उस पार्टी के काम के बारे में सोचिए, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा, उस हिसाब से आप वोट देना। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, प्लीज अपना वोट मत बेचना। 500,000 रुपए के चक्कर में, दारू के चक्कर में बहुत सारे लोग वोट बेच देते हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनके वोट का कीमत क्या है। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कोई पॉइंट वैलिड लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यूट्रल रह करके वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता। जो लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो बहुत सारे लोग खफा रहते हैं मेरे से, बट मैं हमेशा फैक्ट्स चेक करके वीडियो बनाता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं इन्फॉर्मेशनल मजेदार तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, मजेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।